उज्जैन में कांग्रेस के चार विधायक ट्रैक्टर लेकर अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर रैली में शामिल हुई केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिल वापस लेने केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे। कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर पर बैठकर सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकली और देवास रोड होती हुई कोठी कार्यालय के करीब समाप्त हुई, जहाँ पर ADM नरेंद्र सूर्यवंशी को ज्ञापन भी कांग्रेसी नेताओं ने सौंपा है। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का, वो भारत देश है मेरा। समय खड़े हुए उज्जैन शहर के पास में बाढ़ क्रमांक 12 बंडनगर रोड पर खड़े हुए, जहां पर देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहां पर किसान मौजूद है, कांग्रेस के नेता यहां पर मौजूद है, साथ ही बंडनगर के विधायक मुरली मोरवाल जी हमारे साथ मौजूद है। किस प्रकार से आज की जो है रैली रहेगी और किस प्रकार से क्या रहेगा और किस प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक विरोध दर्ज कराएंगे, उसमें चर्चा करने के लिए मौजूद है बंडनगर के विधायक मुरली मोरवाल जी। विधायक जी बताइए, ये जो ट्रैक्टर हैं किसान हैं, किस लिए यहाँ पर आए हैं और किस प्रकार से विरोध आज का दर्ज कराया जाएगा? ये आज जो रैली ट्रैक्टर रैली माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री जी उनके निर्देश में ये रैली निकाली जा रही है और जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के पूरे बंडनगर तहसील से कम 300-400 ट्रैक्टर यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कार्यकर्ता उनका भी हुजूम लगा हुआ है। और जो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काले कानून पास करे उसके विरोध के अंदर ये ट्रैक्टर रैली का आयोजन रखा गया है। आज ये ट्रैक्टर रैली पूरे उज्जैन जिले के अंदर घूमेगी और पूरे जिले से कम 1000 ट्रैक्टर ऊपर वहाँ पे मंडी के अंदर एकत्रित हो रहे हैं और ये सब कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया जाएगा ताकि ये किसानों के 3 जो बिल है काले कानून है ये वापस किए जाए। तो देखा किस प्रकार से जो बंडनगर के विधायक मुरली मोरवाल जी ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कानून जो लागू किए गए हैं वो किसानों के हित ही नहीं है और किसानों को जो है नुकसानदायक है, उसी को लेकर आज कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के नेता उज्जैन शहर में विरोध दर्ज कराएंगे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।